चलिए, तो पिछले क्लास में जैसा कि हम आपको बताए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ाएंगे, किसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, यानी अलग अलग तरह के जो जीवों में सेल का आकार होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एनिमल सेल अलग होता है, यानी हम आप लोग जो है तो हम लोगों की कोशिका अलग टाइप का होता है, और पेड़ पौधा प्लांट जो है उसकी कोशिका अलग तरह का होता है। तो आपके सामने दो फिगर दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा बिल्कुल लंबा जैसा, इस टाइप का चौकोर जैसा, और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है गोलाकार जैसा। तो इसमें ये दो तरह का सेल आप लोगों का है, तो इसमें इस सेल को हम लोग कहते हैं प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हरा कलर का, कौन सा कोशिका कहलाता है, किस प्रकार की कोशिका है बाबू, पादप कोशिका। और ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको कहा जाता है एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोशिका के आकार के आधार पे कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो इस शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्लांट सेल वैसे सेल को कहा जाता है जो किसी पादप का निर्माण करता है, यानी किसी पेड़ पौधे के निर्माण करने में जिन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है उस कोशिका को ही क्या कहा जाता है, पादप कोशिका कहा जाता है। और किसी जीव जंतु के निर्माण में जिस कोशिका की आवश्यकता होती है उसे जंतु कोशिका कहा जाता है। किसी भी जीव के निर्माण में जिस तरह की कोशिका की आवश्यकता होती है, या किसी जंतु का निर्माण जिस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उस सेल को क्या कहा जाता है, जंतु कोशिका कहा जाता है। और किसी पेड़ पौधे का निर्माण जिस कोशिका से होती है उसे क्या कहा जाता है, पादप कोशिका कहा जाता है। अब मन में सवाल जरूर आया होगा कि सर इस दोनों कोशिका में अंतर किस चीज का है, कुछ तो डिफरेंट होगा तब न कहेंगे जंतु सेल है और प्लांट सेल है, तो अंतर किस बात का है, उसको आप भली भांति सुनने का काम करेंगे। सबसे पहले तो दोनों का आकार बिल्कुल अलग है, एगो आकार आयताकार दिख रहा है और एक गोलाकार दिख रहा है। ये पहला अंतर हो गया कि पादप कोशिका जो होती है वह लंबाकार होती है और जंतु कोशिका गोलाकार होती है। दूसरा देखेंगे, ये जो आप प्लांट सेल देख रहे होंगे, अब यहां पर गौर कीजिएगा कि इसके चारों ओर जो इस तरह का लेयर आप देख रहे होंगे, ये लग रहा होगा इसकी तुलना में, बाय फिगर सभी लोगों को पता चलता होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है, लग रहा है पूरा मतलब फ्लूर से एकदम भरा हुआ है। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये लग रहा है हल्का हल्का टाइप का, कलर से भी पता चलता होगा कि एकदम ये एकदम हल्का लाइट कलर टाइप का है, और ये थोड़ा सा क्या है, डार्क है। इसका मतलब यह है कि आप जो देख पा रहे हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पादप कोशिका जो होती है इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कठोर होता है। पादप कोशिका के चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो काफी कड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो आप देख रहे हैं चारों ओर की झिल्ली या कैसी होती है, पतली होती है, अर्धपारगम्य होती है, स्मूथ होती है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो ये भी एक अंतर हो गया कि जंतु कोशिका के चारों ओर जो कोशिका को आधार प्रदान करती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जबकि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। दो अंतर आपने देखा। तीसरा अंतर, ये जो कोशिका भित्ति आपकी है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, किसका बनी होती है बाबू, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए ये थोड़ा कठोर होती है। और ये जो आपका कोशिका झिल्ली है, कल भी शायद आपको बताए थे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है, बताए थे ना, याद आ रहा है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये भी एक अंतर हो गया। अगला अंतर समझिएगा, इसमें देखिए न्यूक्लियस है यहां है, उसका न्यूक्लियस कहां है, बीच में, वह देखो बीच में है, इस साइड में है। इसका मतलब कि जंतु कोशिका का नाभिक जो है वह केंद्रित होता है, सेंटर में होता है, और पादप कोशिका का कहीं भी हो सकता है, हो सकता है कभी बीचों में रहे, साइडों में रहे, इसका नाभिक का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता है, इसकी नाभिक कहीं भी हो सकती है, लेकिन एनिमल सेल का नाभिक कहां होता है,
बीच में ही होता है, क्योंकि आपने प्लांट में देखा होगा कि प्लांट कई तरह का होता है। कुछ प्लांट देखिएगा जिसका तना छोटा रहेगा और टानी पूरा फैल कर लगेगा, आप जमीन में सट जाएगा, मतलब छाता नुमा पौधा आपने देखा होगा, खास करके बरगद वगैरह का देखिएगा तो एकदम लगेगा ना कि वो पूरा ऊपर से ऐसे आके मिल जाएगा। कभी हम लोग तो बहुत बचपन में झूला झूले हैं, बरगद के पेड़ में लटकने झूले हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मतलब है मैंने जड़ से थोड़ा सा ऊपर ही रहता होगा, जो कि टानी को एकदम ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उसको ऐसे कर लेता है। तार का पेड़ देखे होंगे आप, सुर 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 लगता है, घुस जाएगा आकाश में, नहीं एकदम लंबा नहीं होता है। तो इसका मतलब प्लांट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बीच में रहेगा, वो कहियो हो सकता है, लेकिन हम लोगों का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीच में नाभि के पास होता है। पूरे शरीर की बात कर रहे हैं तो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है रे, नाभि के पास है। उसी तरह से एनिमल सेल की जो कोशिका होती है इसके भी मध्यवर्ती वाले भाग में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जबकि एकरम कोनो फिक्स नहीं, कहीं भी हो सकता है, यह भी एक अंतर है। उसके बाद देखना आप, इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें एक आत्महत्या की थैली पाया जाता है, कल का कला जो कि उनको याद होगा लाइसोसोम बताए थे ना, तो इसमें है गोलका, जो है ई गोलका है, ई गोलका है, ई गोलका और कहीं कहीं होगा, अभी नहीं दिख रहा, दुए चार को दिख रहा है। तो ये जो बैलून जैसा संरचना वाला है इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, जैसे ही फटता है तो डेड सेल को अपने में भक्षण कर लेता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोले थे। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में काफी कम पाया जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है। यानी इसमें कोशिका झिल्ली जो है, सॉरी लाइसोसोम जो है, ये काफी कम नहीं के बराबर पाया जाता है, इसीलिए आप पेड़ पौधे में देखे होंगे उसकी मोटाई लगातार बढ़ती चली जाती है और बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाता है। और एनिमल सेल में जो डेड सेल होता है वो नष्ट होते जाता है, आपके शरीर से बर्फ बाहर होते जाता है, इसलिए आपके सेल मतलब बॉडी का ग्रोथ जो है उस हिसाब से नहीं होता है। जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक ग्रोथ उसमें ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा ग्रोथ रेट उसका कमते जाता है, नहीं तो पता चलेगा 9 महीनों में बच्चा 1.5 फुट का हो जाता है तो 20 साल में क्या फुट का होना चाहिए, क्या फुट खोलना चाहिए रे, कम से कम 30 फुट का, तो 20 साल नहीं भेलो तो 30 फुट छह, बात बुझा चला। इन इसका ग्रोथ रेट उस हिसाब से एकदम कम हो जाता है, लेकिन इसमें जो है देखिएगा जितना पुराना होगा उतना बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं कि बड़ा होगा नहीं हो रहा है, एक एज के बाद रुक गए, नहीं वो बढ़ते बढ़ते मर जाएगा लेकिन बढ़ना नहीं रुकता है उसका। उसमें इस तरह की हार्मोन पाई जाती है इस सेल में जो बढ़ते बढ़ते शहीद हो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। कई कई पेड़ विशाल का आप देखे होंगे, क्लियर, तो ये दोनों का भी अंतर है। तीसरा अंतर इसमें आप क्या देखिएगा कि इसमें देखिए ये जो वाला पोजिशन आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बैक्वल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैक्वल यानी खाली जगह वाला। इसमें क्या इस तरह का कोई बैक्वल तुमको दिखता है, पूरा फ्लूर से भरा हुआ है, तनियों कहीं बैक्वल है नहीं, ये भी एक अंतर है कि एनिमल सेल, सॉरी ये प्लांट सेल जो है इसमें बैक्वल पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में बैक्वल नहीं पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार का अंतर आपने देखा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, शायद ये सब अंतर आगे लिखा भी होना चाहिए आपके सामने है, शायद आपको दिख भी रहा होगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। एकदम स्पष्टतया ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि प्लांट सेल और जंतु सेल में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका झिल्ली पाती है। उसके बाद पेड़ पौधे भी ग्लूकोज तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, आपने सुना होगा, लेकिन वो जो अपना भोजन संचित करता है वो स्टार्च के रूप में करता है और हम लोग अपना भोजन संचित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, कभी कभी जैसे आप खाना नहीं खाते हैं, मान लिया मंगलवार है, केकरो बुधवार होता है, केकरो बृहस्पतिवार होता है, शुक्रवार होता है, तो जिस दिन आप खाना नहीं खाते हैं उस दिन भी आपको काम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं खाना आज नहीं खाया तो आज काम ही नहीं करेंगे, काम करना उस दिन पड़ेगा। तो आखिर उस दिन आपको एनर्जी कहां से मिलती है, वही जो आपके लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है, उस दिन जो आप काम करते हैं तो वही ग्लाइकोजन आपको टूटकर एनर्जी देता है, इसलिए एक दो दिन भूखा रहते तो आपको पता नहीं चलता है, बाद में ज्यादा दिन रहेंगे तब तो ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा कि अब काम करने में हम असक्षम है, लेकिन 2-4-5 दिन में हमको नहीं लगता पता चलेगा। राक्षस है कि रे 2-4 दिन नहीं रहा अभी भूखल, बताए लड़की लोग 10-10 दिन भूखल रह जाती है, 5 दिन में कर रहा 5 दिन रहती भूखल तू लोग 10 दिन रे। अरे दुर्गा पाठ लोग करते हैं तो भूखले जाता है 10 दिन हो, अब मैक्सिमम दुर्गा
भरपेट फल खा लेती है ना। अरे वो सब कुछ होना है, खैर जो भी हो, तू सब कायम करता ही हमरा बताओ, मैक्सिमम महिला ही क्यों करती है, ओकरा क्षमता है सहने का। हम लोग एक दिन सहते हैं तो तारा सूझने लगता है, मैंने चिड़चिड़ापन इतना आ जाता, मन करता चार पांच तमाचा दे दे, कुछ यदि बोल दे सामने वाला तो। आप बात बुझिए रहे होंगे, कोनो ऐसा नहीं आप बच्चा है नहीं, एक दिन सहने के बाद इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन करता लपरा दे। अब चलो तो क्लियर हो गया कि हम लोगों का स्टोर भोजन क्या है, ग्लाइकोजन, और प्लांट का स्टोर भोजन क्या है, स्टार्च। इसमें बैक्वल पाया जाता है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है। इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि हम लोगों में फोटोसिंथेसिस नहीं होना है, और प्लांट में क्या होना है, फोटोसिंथेसिस होना है। तो ये सब अंतर है, टोटल अंतर लिखा हुआ है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, यह अर्ध पारगम में होता है, इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, इसका भी निर्माण लिख लेंगे, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है, फॉस्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से, तुरंत लिख, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से, कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है। किताबें आप लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने में सहूलियत मिलेगा, किताबें लिख लेना, अपने किताब है, वर्तवार थोड़ी भेजना है, किताब अपने पढ़ना है, कुछ लिख लो। लिखा चला, सब चला लिख लिया, अचेली सब तू भी लिख ली रहे, चलो हाँ किताबे में लिख देना, कोनो बात नहीं है, लिखा लाइए तब तो हो ही गले, कोनो काम ही नहीं है। चलो अगला देखो, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है भाई, हरित लवक पाया जाता है, ध्यान से सुनना, प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है और जंतु सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता, ये सब याद हो गया ना। चलिए, लाइसोसोम नहीं पाया जाता प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है और अपना लोग में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसमें रसधानी पाया जाता है, अपना लोग में नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका में भोजन किस, बोलिए दो, नहीं रुके बोलिए ले सब, चट्टा कहीं का भागल जा रहे थे रे, ऐसे हबर हबर करेगा जैसे लगा पहली बार आया है क्लासरूम में, सुन लेना पहले बाद में बोलना है, क्लियर। इसमें रसधानी क्या हो जाता है, पाया जाता है, और हम लोगों में रसधानी क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसका भोजन मंड है यानी स्टार्च है, और इसका भोजन क्या है, ग्लाइकोजन। इसका बोले तो हम लोगों का भोजन क्या, एनिमल का भोजन क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, लेकिन इसका भोजन क्या है, मंड के रूप में स्टोर रहता है। तो इसमें सब कुछ बुझाया, एगो रसधानी ने बुझाया, इतने गुण बात है, बेक्वल भी ने बुझाया, बेक्वल भी ना क्या, इसमें सेंट्रियोल एकदम पाया जाता, नहीं दिखा है सेंट्रियोल, एकदम गलत लिखा है, सीधा कीजिए, हाँ नहीं कर देना है, स्पष्ट लिखा देखो ना, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, इसमें रसधानी पाया जाता है, और इसमें सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता है, और इसमें रसधानी भी नहीं पाया जाता है, नहीं एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, हाँ तो उसमें ठीक कर लो, उसमें लिखा है ठीक कर लो उसको, प्लांट में रसधानी भी पाया जाता है, और प्लांट में क्या होता है, आपको रसधानी भी और सेंट्रियोल दोनों, सेंट्रियोल अभी दिखाए भी थे हम आपको, ये देखो यहाँ गौर करना, सेंट्रियोल एकदम ना लिखल हो, ये देखो ये वैक्यूल जो है ना चला, ये वैक्यूल के बीच में जो संरचना रहता है इसी को सेंट्रियोल कहते हैं, यानी प्रत्येक खाली जगह जो होता है, प्रत्येक खाली जगह के अंदर भी क्या होता है, एक सेंटर होता है, जो कहेगा सर इसका काम क्या होता है, तो ये डेड सेल क्या करता है, अपने में समाने का काम करता है, इससे यानी प्लांट से वो बाहर जाने का काम नहीं करता है, अतः ये सेंट्रियोल क्या करता है, ये राजधानी को क्या करता है, अपनी ओर मतलब आकर्षित करने का काम करता है, यानी अपनी ओर उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करके ये अपने पास रखता है, जिससे प्लांट की मोटाई बढ़ती जाती है। और हम लोगों में ऐसा चीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का जितना भी क्या कहते हैं अवशिष्ट सेल है, वो सब हमारे शरीर से क्या होता है, टूट टूट कर शरीर से बाहर चला जाता है, क्या हो किस में, ये व्हाइट वाला जो है,
इसकी सेंट्रियोल लिमिट होती है, इसका मतलब इसकी सेंट्रियोल जो है ये जो वर्क कर पाता है, हम लोगों का सेंट्रियोल वो काम नहीं करता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, फाइबर का निर्माण होता है, और ये फाइबर के निर्माण करने के बाद ये हमारे जो मतलब डेड सेल है इसको ये बाहर कर देता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें इस तरह का वो क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर करने का काम नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल मतलब खाली जगह, इसके अंदर में क्या होता है, कुछ खाली जगह होता है जो डेड सेल को एब्जॉर्ब कर पाता है, और इसमें वो खाली नहीं, पूरा का पूरा क्या होता है, फुल रहता है, जो कि एब्जॉर्ब करके अपने पास नहीं रोक पाता है। ये दोनों अंतर है। आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे भी, देखने लिखा भी होगा, हम पहले भी बता दिए कि लाइसोसोम इसमें दिखता है नहीं, नहीं के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई यूज नहीं है और हमारे शरीर में उसका यूज है। इसमें लाइसोसोम नहीं के बराबर पाया जाता है, मैंने काफी कम पाया जाता है, और इसमें क्या है, लाइसोसोम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसका हमारे शरीर में क्या है, यूजेज है, इन जिसका हमारे शरीर में क्या है, उपयोगिता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया मतलब नहीं के बराबर पाया जाता है, काफी कम मात्रा में। इसमें सेंट्रियोल क्या होता है, पाया जाता है। इसमें रसधानी क्या होता है, पाया जाता है, और हम लोगों में क्या, नहीं के बराबर ही पाया जाता है। नहीं पाया मतलब नहीं के बराबर, रसधानी का मतलब जिसको कहते हैं ये फ्लूड, चिपचिपा पदार्थ प्लांट में होता है ना, हम लोगों में तो नहीं पाया जाता है, तो उसी तरह हम लोगों में नहीं पाया जाता, उसमें क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे क्या, अभी जितना भी नाम अभी तक आप सुने, जैसे आपने भी क्या क्या सुना, कोशिका भित्ति, आपने क्या सुना, कोशिका झिल्ली, आपने क्या सुना, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, या फिर डीएनए आरएनए क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी नहीं सुने, आप आगे सुनेंगे कि कोशिका के नाभिक में आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, क्रोमेटिन भी पाया जाता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। तो आगे जितना भी टर्म अभी आप पढ़े हैं, उस सब टर्म के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से आगे समझेंगे। जैसे कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है, फिर देखना क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, यही पर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में, फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर देखिए क्या होगा, ये लवक होगा। तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो सबके बारे में क्या करेंगे, विशेष रूप से स्टडी हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति, जिसके बारे में आप जान चुके हैं पहले से कि कोशिका भित्ति जो होता है यह प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। कोशिका झिल्ली हम लोगों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी कोशिका भित्ति के अंदर में एक पतली परत होती है, उसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, लेकिन कोशिका झिल्ली हम लोगों में भी पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली प्लांट में भी, लेकिन कोशिका भित्ति के बाद एक पतला लेयर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यानी कॉमन हो गया क्या, कोशिका झिल्ली, जो कि दोनों में होगा, लेकिन ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं कोशिका भित्ति, ये जो हार्ड बॉडी पार्ट्स आप देखने जा रहे हैं, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, यानी पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पादप में। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसका बना होता भाई, तो ये आपके सेल्यूलोज का बना होता है। तो वही चीज यहां लिखा होगा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, और सिर्फ ये पादप सेल में ही पाया जाता है, सिर्फ ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर देखिए बैकवल भी है, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस, यही है इसका न्यूक्लियस भी है। तो और सब कुछ इसमें, लाइसोसोम के अलावे बाद बाकी लगभग सभी चीज जो है आपको प्लांट सेल के अंदर में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें लाइसोसोम नहीं के बराबर पाया जाता है। तो ये आपका हो गया कोशिका भित्ति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल वॉल, और हम लोगों में होता है कोशिका झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति जो है वह किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, सॉरी ये सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति का काम क्या है सेल में, उसको आधार प्रदान करना, यानी पादप कोशिका को आधार प्रदान करने का काम कौन करता है, कौन करता है, सेल्यूलोज करता है, यानी पादप कोशिका का वाल करता है। अब देखो क्या है, कोशिका झिल्ली है, तो इसमें कॉमन क्या बताए, ये प्लांट सेल का क्या है, बाहरी भाग है, और एनिमल सेल का आंतरिक भाग। प्लांट सेल का ये बाहरी भाग है और एनिमल सेल का क्या है, आंतरिक भाग है। यानी कोशिका झिल्ली जो है यह दोनों में पाया जाता है, लेकिन हम लोग जो कोशिका झिल्ली अभी पढ़ने जा रहे हैं ये एनिमल सेल का है,
ये किस प्रकार की कोशिका झिल्ली है? ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं इसमें एनिमल सेल का है, इसमें दो परत होता है, एक ये इसका बाहरी परत हो गया और एक इसके नीचे से आंतरिक परत होता है। जैसा कि छोटा फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस तरह का दो तरह का संरचना था, इस तरह से बाहर से, तो एक इसका आंतरिक परत हो गया और एक इसका क्या हो गया, बाहरी परत। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसका बाहरी परत या इसके आंतरिक परत का सवाल हो तो याद रखना इसका बाहरी परत और इसका आंतरिक परत किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। यानी कोशिका झिल्ली का बाहरी परत और कोशिका झिल्ली का आंतरिक परत किसका बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। ये जो बीच वाला है ये किसका बना होता है, ये जो बीच वाला है ये टोटल का टोटल फॉस्फोलिपिड का बना होता है, किसका बना होता है। अब यहां पर दो तरह का सवाल हो गया, एक हो गया कोशिका झिल्ली का बाहरी परत किसका बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का, और कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती परत किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, कैसा होता है, अर्धपारगम्य, यानी 100% पारदर्शी आप उसको नहीं बोल सकते, यानी अंशता जो है उससे लिक्विड है या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो अंशता उससे आर पार होती है। ये डिसीजन सेल करता है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन करता है कि हमसे किस पदार्थ को बाहर निकलना है और किस पदार्थ को बाहर नहीं निकलना है। यानी जो काफी म्यूट पार्टिकल्स है वह उस झिल्ली से बाहर हो पाती है, लेकिन उससे थोड़ा सा भी बड़ा पार्ट्स है तो वह उससे बाहर नहीं हो पाती है। फिर कहेगा इसके अलावे सर इसका काम क्या है, तो सबसे बड़ा इसका काम होता है कि आपके सेल के अंदर जितना भी फ्लूड भरा रहता है, इन जितना भी द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या करता है, ये बांधकर रखने का काम करता है, जिसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव। तो ये कोशिका द्रव को बांध कर रखता है, ये कोशिका द्रव के अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या गोल्जी बॉडी हो या लाइसोसोम हो या राइबोसोम हो या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या डीएनए हो या आरएनए हो या क्रोमोजोम हो या जो भी हो, तो वो सबको क्या करता है, ये संतुलित बनाने का भी काम करता है, वो सबको भी उसके अंदर बांध कर रखने का काम करता है। तो ये सब किसका काम हो गया, कोशिका झिल्ली का। अब उसके अंदर में बताए थे कि एक नाभिक भी होता है, होता है ना, नाभिक के चारों ओर भी एक झिल्ली लगी होती है, क्योंकि नाभिक के अंदर भी द्रव भरा रहता है और नाभिक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव। कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव है तो कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव है तो केंद्रक के अंदर द्रव है तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीव द्रव, बताए थे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो जीव द्रव। इसका मतलब है कि ये केंद्रक द्रव जो है और ये कोशिका द्रव जो है, ये केंद्रक द्रव है और ये कोशिका द्रव है, ये किसका पार्ट्स हो गया, जीव द्रव का। किसका पार्ट्स हो गया, जीव द्रव का। इसलिए लिखा है जीव द्रव दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव और दूसरा क्या हो गया, केंद्रक द्रव, क्योंकि कोशिका द्रव केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को ही जीव द्रव कहा जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा लड़का कंफ्यूज कर जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका के अंदर के बने द्रव को क्या कहा जाता है। अब ऑप्शन में दे दिया कोशिका द्रव भी, केंद्रक द्रव भी, ये क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी, यानी जीव द्रव भी। अब लड़का सोचता है कि तीनों तो पढ़वे किए, क्या आंसर मारे, आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव। आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव, क्योंकि कोशिका के अंदर का द्रव पूछा तो आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव। हाँ, जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा, जीव द्रव। केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव, वो कोशिका द्रव नहीं कहलाएगी। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है वो केंद्रक द्रव, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरा है वो कोशिका द्रव, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, जीव द्रव कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी आपने किसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में, और ये स्पष्ट लिखा होगा ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, न्यूक्लियस, यानी आपको केंद्रक के बारे में पढ़ना है, और ये केंद्रक भी दोनों में था, सिर्फ पोजीशन का ही डिफरेंस था। हम लोगों में न्यूक्लियस थोड़ा बीच में था, उसमें बीच में नहीं था, अंतर इतना ही था, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में था। यानी ये जो आप केंद्रक अभी देख पा रहे होंगे, ये केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है।
जंतु कोशिका में भी यह पाया जाता है और पादप कोशिका में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। अब मन में सवाल आया होगा कि सर इसके अंदर तो केंद्रक द्रव रहता है, ठीक है, इसके अलावे इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक द्रव रहता है पहले से आप जान चुके हैं, इसके अलावे इसमें देखिए बहुत सारा इस तरह का है ना, जाल टाइप का है ये सब जाल तरह का, इसी को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन से ही क्रोमोजोम शब्द बना हुआ है। कौन शब्द? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम समझते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए तो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि क्रोमोजोम जो है इसी से हम लोगों का जीवन की शुरुआत होती है और उसका पोजीशन आपने कहां देख लिया? न्यूक्लियस में। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे, ध्यान देंगे बाबू। अभी जो आपने देखा कि नाभिक में एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, एक झिल्ली नुमा फाइबर्स इस नाभिक के अंदर पाया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन से ही किसका निर्माण होता है? क्रोमोजोम का। क्रोमेटिन से ही किसका निर्माण होता है? क्रोमोजोम का निर्माण होता है। अब वो क्रोमोजोम किससे मिलकर बना है? तो उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, यानी उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यानी क्रोमोजोम जो है, ये जो आपका गुणसूत्र है, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और वो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरे को कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या प्रकार के? क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? क्योंकि कभी कभी देखिएगा इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का मतलब क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम बोलो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहां लिखा था गुणसूत्र, इसका मतलब वैसा सूत्र जो गुण का वाहन करे, नहीं तो इसमें तो दोनों चीज है, तो इसमें भी अब यह जानना पड़ेगा कि वो गुण का वाहन करेगा कौन, डीएनए करेगा कि आरएनए करेगा। एक जनरली चीज समझ गए कि गुण सूत्र का मतलब हो गया वैसा सूत्र जो लक्षण का वाहन करता है, जो गुण को ट्रांसफर करता है। लेकिन अब इसमें तो चूंकि दो चीज है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, तो इसमें याद रखना ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है यही लक्षण का वाहन करता है, ये आरएनए लक्षण का वाहन नहीं करता है। इसका मतलब आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए जो है ये अनुवांशिक पदार्थ है, ये लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है, लेकिन आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो मन में आया होगा तब करेगा क्या ही भाई, जब क्रोमोजोम का पार्ट है तब तो लक्षण वाहन करना चाहिए, तो नहीं, इसका लक्षण वाहन डीएनए करता है, आरएनए उस लक्षण को रिकॉर्ड करता है। जो जो लक्षण माता पिता का संतान में गया है उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। और उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? डीएनए। आगे इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है डीएनए के बारे में भी और आरएनए के बारे में भी। तत्काल आपने जाना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है जिससे क्रोमोजोम का निर्माण होता है। यह क्रोमोजोम में न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता, ध्यान रखिएगा। यह क्रोमोजोम गुणसूत्र जो है यह दो चीज से मिलकर बना होता, किससे? किससे? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। इसमें लिखा भी होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर किसका निर्माण होता है? आपके क्रोमोजोम का। लेकिन याद रखिएगा क्रोमोजोम मुख्य रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड भी कितना प्रकार का हो गया? कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिक गुण का वाहन कौन करता है? डीएनए। अनुवांशिक गुण का वाहन कौन करेगा? डीएनए। आरएनए क्या करेगा? लक्षण को रिकॉर्ड करेगा। आरएनए क्या करेगा? लक्षण को रिकॉर्ड करेगा। अब प्रोटीन क्या करेगा? वो आपको ऊर्जा देगा।
प्रोटीन उसको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। न्यूक्लियस का पोजीशन सेल में कहां होता है, मध्यवर्ती वाले भाग में होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में कहां होता है, किसी भी कोने में, उसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर, और इतनी सारी बात का जो स्टडी की है, इसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि कोशिका के नाभिक का खोज किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। कोई जेम्स चैडविक भी कह रहा था, गलत बात है, एकदम गलत बात है। रिवीजन इसका मतलब आप कम कर पा रहे हैं, नहीं एकदम रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि पढ़ने से खाली रिजल्ट नहीं होना है, पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप जो पढ़ते उसका रिवीजन कितना करते हैं। रिवीजन एकदम मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो 5 घंटा क्लास के बाद आप घरे जाइए तो खाना बना चुपचाप खा के सो जाइए, और सो के 2 घंटा के बाद उठिए ना, तब से जब तक नींद नहीं लगे तब तक पढ़ते रहना है, कोई चाक चुक नहीं, मोबाइल ऑफ करके बंद कर देना है। इन्हें की पर कहे सारा कहानी आप वहां सुनाने लगे, जानती हो ऐसे चौटा कहीं, समझ रहा है, चला एकदम मोबाइल स्विच ऑफ करके तखा पर रख देना है, तखा घरे है ना रे, अरे अलमीरा पर, बहुत कहेगा मैं घर में तखा कहाँ है, चौटा कहेगा नहीं तो रख देना अलमीरा पर, बुझ रहा है, एकदम छोड़ के निश्चिंत होके बैठ जाना है पढ़ने, और तब तक नहीं उठना है जब तक चुत्तर गर्म नहीं हो जाए, बात बुझ रहा है, तब तक कंटिन्यू पढ़ते रहना है, फिर तनी उठ के बतिया लेना है, मूड जब एकदम नहीं काम करे तब नाश्ता वास्ता करके फिर बैठ जाना है पढ़ने, 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक पढ़ो, फिर सो जाओ 11 बजे के आसपास, फिर सुबह उठो क्लास चलाओ, बतियाएगा कहिया बता ना, मैंने वो एगो लगता है शरीर के अंग का पार्ट सो गया नहीं कि ओकरा बिना जी नहीं सकते हैं। हाँ रूटीन एकदम नहीं लगता, रूटीन में हुआ गया है कि फॉलो करना ही करना है, मैंने वो क्लास है रे, मैंने समझा नहीं सकता, 1-5 महीना बाद एग्जाम है, बता 2-3 महीना में एग्जाम है, समझा नहीं पा रहा है, आ कहता है तब वो काम कहिया होगा, मैंने क्लास एक नहीं कहता, वो क्लास हम कैसे ज्वाइन करेंगे, चट्टा कहीं का वो क्लास ऐसा खतरनाक है, ज्वाइन नहीं करना है तुमको, बर्बाद हो जाएगा गधा। चलो कोशिका के नाभिक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन, और परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड, परमाणु के नाभिक का खोज, क्योंकि दोनों में नाभिकीय शब्द था, इन्हें कि लड़का कंफ्यूज कर देगा, जय बजरंगबली नाभिकीय तो क्वेश्चन है मार दो, वो है परमाणु का नाभिक है, ये करना भी क्या है, कोशिका का, कोशिका का। ईशान हिंदी, हाँ इसी सन हमरा याद है, तोरा बतेबो इसी सन हमरे नहीं याद है तेरा की बताएंगे, चलो तो ये समझ में आ गया। चलिए अब है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इस तरह का संरचना आप देखे होंगे वहां पर, यहाँ थोड़ा कलर चेंज है, वहां पर हरा कलर का ग्रुप था इसका बनल, तो यही संरचना आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल संरचना में होता है, ये इसका ऊपरी संरचना है और इसके अंदर का ये संरचना हो गया, यानी ये जो है डबल संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर पाया जाता है, जिसकी संख्या के बारे में आपको बताए थे फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है किस अंग का वो माइटोकॉन्ड्रिया है, यदि हार्ट का माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा हार्ट सेल में, अन्य जगह का होगा जिसका यूज आप कम करते हैं तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि जहां एनर्जी कम उपयोगी है तो वहां कम होगा, और जहां एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका काम ही बताए थे आपको ऊर्जा प्रदान करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपने जाना कि यह डबल संरचना में होता है या द्वि आधारित होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, मैट्रिक्स रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है या कोई निश्चित नहीं होती है। अब इसके अंदर का जो ये मैट्रिक्स देखे, इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है,
यानी आपकी जो कोशिका है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की यदि हम बात करते हैं तो समझिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। उपयोग के आधार पे बादमकी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उसका झिल्ली कहेगा नहीं रहेगा तो की होगा, तो फिर सेल कहां से रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां घूमेगा, तो वो सब चीज जरूरी है। लेकिन यूज के आधार पर देखा जाए कि कोशिका द्रव भी है या न्यूक्लियस भी है या और भी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये आपको ऊर्जा देती है। और जब तक आपको ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक सब काम बेकार पड़ जाएगा। अरे एनर्जी रहेगा तब न पढ़ेगा, एनर्जी रहेगा तब न चल कर आएगा। तो सबसे जरूरी आपके लिए ऊर्जा का है, और उसमें दो तरह की क्रिया आपके बॉडी के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में खास करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले फ्लूड को कहा जाता है, जैसे आयस्क में आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में गैंग, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और यहां पर कितनी भी प्रकार की क्रिया होती है तो दो प्रकार की क्रिया होती है, एक को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर कितने प्रकार की क्रिया होती है, कितने प्रकार की क्रिया होती है, क्या प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। नाम याद कर, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स, जेकरा नहीं याद होगा पट फिगरे में काट कर लिख देगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ताकि पढ़ने वक्त रिवीजन जल्दी हो पाएगा। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, अब कहेगा सर इसका काम क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस भी क्रिएशन करके ग्लूकोज को तोड़ के आपको ऊर्जा देता है, क्रेब्स साइकिल भी ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा देता है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप का ऊर्जा देता है। इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस से आपको कम ऊर्जा मिलती है और क्रेब्स साइकिल से आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो है ऑक्सीश्वसन। सर्वाधिक ऊर्जा जो आपको प्रदान होता है वो आपको ऑक्सीश्वसन से होता है। तो उसमें ये दो प्रकार की क्रिया संपादन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल। इससे एनर्जी कितना मिलता है तो गौर करेंगे आप, ग्लाइकोलाइसिस से आपको मिलता है 2 ATP और क्रेब्स साइकिल से मिलता है 36 ATP। अब मन में आया होगा सर ये ATP क्या होता है, तो ATP का मतलब हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या हो गया, एडेनोसिन, लिख लेंगे, कभी कभी पूछेगा कि ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब जितना चीज बताते याद करते हुए आप आगे बढ़िएगा तो आगे आपको समझने में और भी आसान हो जाएगा। आज जे क्लास छोड़ देगा आज का और उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएबे ATP बुझेबे नहीं करते, कहते मास्टर नहीं बढ़िया पढ़वे हो, नहीं हो आज कहेगा कि नहीं कहेगा जी अभी सब बात बुझले नहीं रहेगा चले तेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम ओकरा हम जान दे देबे तैयो समझता है, कहते नहीं मास्टर ठीक ना हो, आज ये न कहेगा। अब यदि आपको नहीं समझ में आएगा तब की कहिएगा, हम बहुत बड़ा विद्वान से आपको की मतलब है, आपको समझा पा रहे थे विद्वान नहीं समझा पाए, विद्वान नहीं है बात बुझ रहा है। अब चलते वह दिन लगातार वहां कलते खाली ATP की चर्चा, कभी 2 ATP कभी 36 ATP कभी 38 ATP कभी 40 ATP कभी 4 ATP कभी कुछ कही ATP का है। अब तुरा बुझे लो ATP का है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ई जो है जैसे कि फिजिक्स में तुम ऊर्जा के लिए क्या कहता है, जूल। फिजिक्स में ऊर्जा लिखना रहेगा तो ऊर्जा लिखने वक्त क्या कर देता है, यूनिट यूज क्या करता है, जूल यूज करता है। ऊर्जा के लिए यूनिट क्या यूज करता है, जूल रे। फिजिक्स में हम पैदल हैं तो ध्यान रखना, इन्हें के दूसरों को होगा हम मक्का दिए जूल कहूं जूल बोल देना, सही बोले हैं। तो उसी तरह से बायोलॉजी में जो है जहां ऊर्जा लिखना रहेगा ना तो वहां ऊर्जा नहीं लिख के ATP लिखाता है, यानी ATP क्वाइंस ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऊर्जा का सिक्का निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ATP को। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, ATP को ऊर्जा का
सिक्का कहा जाता है, क्योंकि ये जो 36 एटीपी है इसका मतलब 36 एटीपी ऊर्जा आपको मिलती है क्रेब्स साइकिल से, 2 एटीपी मिलता है ग्लाइकोलाइसिस से, 36 दो कितना हो गया 38, यानी ऑक्सी श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा आपको मिलती है और उसी ऊर्जा से आप काम कर पाते हैं। और ये ऊर्जा प्रदान किसके माध्यम से हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। याद आया होगा कल परसों भी हम चर्चा में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। काहे कहे समझे, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। और इस माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा और आपने जाना कि इसके अंदर ये सारी प्रक्रिया भी होती है, इसके अंदर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत भी है, इसके बारे में अल्टमैन और कॉलिकर ने बताया था। किसने बताया था, अल्टमैन और कॉलिकर ने, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन और कॉलिकर ने। क्या क्या किया वो सुनिएगा। 1880 ईस्वी में क्या हुआ, कॉलिकर के द्वारा इस शब्द का सिर्फ प्रतिपादन किया गया कि जंतु कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बाद में कि उनको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं थी। और 1880-90 के दशक में अल्टमैन ने किया, उसका नामकरण बायोब्लास्ट कहा, कहा कि समझिए ये बायोब्लास्ट है सेल के अंदर, क्योंकि यही ब्लास्ट जो है यह सेल को ऊर्जा प्रदान करती है और वही सेल की एनर्जी जो है जीवों को मिलता है और जीव किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं। अतः अल्टमैन और ये कॉलिकर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सारी गतिविधियों के बारे में बताया। अतः माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता में इन दोनों का नाम आता है, अल्टमैन का भी और कॉलिकर का भी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट लिखा ही मिलेगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन और कॉलिकर ने किया। और आपने कई बार क्वेश्चन भी ऐसा देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन कॉलिकर, या फिर अलग अलग ऑप्शन लिखा रहता है कि मैं अल्टमैन और कॉलिकर, सी मिलेगा ए एंड बी बोथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इन दोनों ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु के सेल के अंदर पाया जाने वाला एक वैसा पार्ट्स है जो जंतु के संपूर्ण एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है और इसी से आपको ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण जो है ये 1898 में किसने किया था, सिबेंडा। इसका नामकरण किसने किया, सिबेंडा। खोज किसने किया, अल्टमैन और कॉलिकर। खोज किसने किया, अल्टमैन और कॉलिकर। नामकरण किसने किया, सिबेंडा। दोनों अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, एक हो गया खोजकर्ता, एक हो गया नामकरण कर्ता। जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। लेकिन नाभिक में आपको है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओकर अलग अलग नामकरण करता है, एगो चैडविक है, एगो उधर से गोल्डस्टीन है। तो दोनों का नामकरण अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन उसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। उसी तरह से यहां पर भी क्या हो गया कि अल्टमैन और कॉलिकर इसके खोजकर्ता है और नामकरण किसने किया, सिबेंडा। तो क्वेश्चन बोलेगा खोजकर्ता के बारे में, तो आंसर क्या होगा, खोजकर्ता के बारे में अल्टमैन और कॉलिकर, खोजकर्ता के बारे में अल्टमैन और कॉलिकर, नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में क्या, खोजकर्ता। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भरे द्रव को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितनी प्रक्रिया होती है, दो प्रक्रिया, कौन कौन, कौन कौन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से कितना ऊर्जा मिलता है, 2 एटीपी, कितना, 2 एटीपी। क्रेब्स साइकिल से कितना, 36 एटीपी। टोटल कितना एनर्जी मिला, 38 एटीपी। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में होने वाली घटना से कुल कितनी ऊर्जा की आपूर्ति होती है, 38 एटीपी, 36 एटीपी। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बोल देंगे, ग्लाइकोलाइसिस से पूछेगा 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल से पूछेगा तो 36 एटीपी। तो ये चीज अभी आप जो पढ़ रहे थे, ये आप पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आप फुल्ली तरह से, हमको उम्मीद लगता है आपसे कि आपको याद हो गया होगा। इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, अब आप किसके बारे में पढ़िएगा, प्लास्टिड के बारे में। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है,
जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। कहेगा सर क्यों? क्योंकि हम लोगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि जिसमें ये प्लास्टिड रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और प्लास्टिड नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो अगले क्लास में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में।